हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे हाउ टू इंसर्ट फॉर्म डेटा टू डेटाबेस थ्रू पीएचपी एंड माईएसक्यूएल। पीएचपी और माईएसक्यूएल डेटाबेस कनेक्टिविटी का, क्योंकि वो कोड आपका यहाँ यूज होने वाला है। डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड आपका सेम रहेगा, आप हर फाइल में सेम कोड ही यूज करेंगे डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। तो इस कोड में हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करेंगे फर्स्ट, और फिर उसके पीएचपी के थ्रू डेटाबेस कनेक्टिविटी उसकी करेंगे। तो फॉर्म में प्री डिफाइन एक फॉर्म एक्सेस करूंगा, उसका कोड मैं आपको नहीं बताऊंगा। फॉर्म कैसे डिजाइन करते हैं वो मैं आपको, वीडियो पहले भी बना रखी है हमने, फॉर्म कैसे आप डिजाइन करेंगे, तो उसमें हम एक हर एक फील्ड को कैसे आप स्टोर करेंगे डेटाबेस में वो मैं आपको क्लियर करूंगा। तो चलते हैं कोड की तरफ। तो सबसे पहले आप अपना सर्वर ओपन कर लीजिए। अगर आप कुछ प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप कंट्रोल पैनल पे जाइए, कंट्रोल पैनल सॉरी एग्जाम कंट्रोल पैनल ओपन कीजिए, और इसे आप स्टार्ट कर दीजिए। बोथ अपाचे को भी माइस्कल को भी मिनिमाइज कर दीजिए। इसके बाद आपको सबसे पहले आपको किस पे जाना है, ब्राउजर पे। ब्राउजर ओपन कर लीजिए और यहाँ पर आप चले जाइए लोकल होस्ट, लोकल होस्ट राइटअप कर दीजिए। जब आप लोकल होस्ट राइटअप करेंगे तो पीएचपी माई एडमिन पे आपको जाना है। पीएचपी माई एडमिन पे सबसे पहले आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है, तो आप क्लिक कीजिए डेटाबेस को, या आप डायरेक्टली न्यू पे जाइए, न्यू पे डेटाबेस का नेम लिखिए यहाँ पर और क्रिएट कीजिए। हमने जो लास्ट ट्यूटोरियल में डेटाबेस क्रिएट किया था वो लाइब्रेरी किया था, तो इसके अंदर हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट फील्ड अपनी एक्सेस करेंगे। तो हम लोग एक टेबल यहाँ पर ले रहे हैं स्टूडेंट, टेबल का नेम आप इसको डिजाइन व्यू में क्रिएट करेंगे स्टूडेंट, और इसके अंदर हम लोग फील्ड लेंगे एक नेम, एक पासवर्ड, क्योंकि हम लॉगिन पेज में क्रिएट करेंगे, तो एक नेम का हम फील्ड लेंगे, एक पासवर्ड का लेंगे, एक डेट ऑफ बर्थ लेंगे और एक एजुकेशन का लेंगे, क्योंकि डीओबी में आपका रेडियो बटन आ जाएगा और एजुकेशन में आपका चेकबॉक्स आ जाएगा। तो हम लोग इसमें फोर फील्ड एक्सेस करें, तो आप फील्ड को घटा और बढ़ा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, और इसके बाद आप गो कर दीजिए। जब आप गो करेंगे तो यहाँ पर ये डिफरेंट कंटेंट आपसे पूछेगा कि आपको क्या क्या एंटर करना है। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं नेम, या आप यूजर नेम ले लीजिए, और इसका टाइप आप करेगा वेर कैर, और लेंथ हम लोग ले लेते हैं इसकी 50। सेकेंड फील्ड इज पासवर्ड, पासवर्ड ये भी आपका वेर कैर में रहेगा और इसकी लेंथ हम लोग ले लेते हैं 50 ले लेते हैं। नेक्स्ट फील्ड आप यहाँ पर ले लीजिए जेंडर, जेंडर जेंडर को भी हम लोग वेर कैर में लेंगे और इसका भी साइज हम लोग ले लेते हैं 10। और लास्ट फील्ड हम लोग लेंगे एजुकेशन, एजुकेशन एजुकेशन में हम लोग ले लेते हैं वेर कैर और इसका साइज भी हम लोग लेते हैं 50। तो सारा साइज आपने दे दिया है, टाइप आपने दे दिया है, नेक्स्ट आप इसे सेव कर दीजिए। तो जैसे ही आप सेव करेंगे तो लाइब्रेरी के अंदर आपका एक टेबल क्रिएट हो जाएगा स्टूडेंट। इस स्टूडेंट के अंदर हम लोग डेटा स्टोर करेंगे अपना फॉर्म का डेटा। तो अब हमारे पास जो फॉर्म हमने क्रिएट करना है उसके अंदर आपने चार फील्ड क्रिएट करनी है, नेम, पासवर्ड, जेंडर एंड एजुकेशन का। ठीक है, डेटाबेस हमने क्रिएट कर दिया है, टेबल हमने क्रिएट कर दिया है। अब हम चलेंगे अपने टेक्स्ट एडिटर पे। तो आप ओपन कर लीजिए टेक्स्ट एडिटर, कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर जिस पे आप वर्क करें। तो हम लोग सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे वर्क करें। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे हम लोग एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल, न्यू फाइल आप क्रिएट कर लीजिए और इस फाइल को आपको सेव करना है। प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि आपने एग्जाम के अंदर एसटी डॉक के अंदर सबसे पहले आप सी ड्राइव देखिए, सी ड्राइव में आपका एग्जाम फोल्डर रहेगा, एग्जाम के अंदर एसटी डॉक फोल्डर है। एसटी डॉक फोल्डर के अंदर आप नया फोल्डर क्रिएट करते हैं, जो भी प्रोजेक्ट आपको डिजाइन करना है। तो लास्ट प्रोजेक्ट हमने जो डिजाइन किया था वो एलएमएस पे हम लोग वर्क करें, तो एलएमएस के अंदर हम लोग न्यू फाइल अपनी क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमारा डेटाबेस पहले से यहाँ स्टोर है, ये डेटाबेस हम लोग एक्सेस करेंगे। तो आप पहले प्रीवियस ट्यूटोरियल को देख लीजिए, क्योंकि डेटाबेस का पूरा कंटेंट उसके अंदर है। और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इंसर्ट डॉट पी एच पी, इंसर्ट डॉट पी एच पी। तो फाइल का नेम हमने लिख दिया है इंसर्ट डॉट पी एच पी। तो अब आपको यहाँ पर क्या राइटअप करना है, तो डायरेक्टली मैं इस कोड को डायरेक्टली कॉपी कर रहा हूँ, ये मैंने पहले से डिजाइन किया हुआ है कोड, तो इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ। आपको केवल मैं आउटपुट शो करूंगा इसका, क्योंकि इसमें आपका ज्यादा रोल नहीं है, ये तो सिंपल फॉर्म डिजाइन करना है। फॉर्म डिजाइन करना मैं पहले भी आपको डिफाइन कर चुका हूँ, अभी हम लोग इसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करें, मेथड भी हम लोग नहीं यूज करते हैं, सिंपल हमने एक फॉर्म क्रिएट किया। अब देखिए आपको करना क्या है, इसमें जो मेन फील्ड आपकी रहेंगी वो क्या रहेंगी, हमने एक टेबल क्रिएट की है, बॉर्डर दिया है उसका, टेबल के अंदर टी आर टी डी नेम फील्ड दिया है, और इनपुट टाइप टेक्स्ट रहेगा, नेम इज इम्पोर्टेंट पार्ट। तो हमने यहाँ पर नेम लिखा है यू नेम, जिसके थ्रू आपका डेटाबेस एक्चुअल में कनेक्ट होगा वो यू नेम के थ्रू होगा।
इसके बाद ये प्लेस होल्डर, ये तो सारा आपका प्री डिफाइंड कोड है, ये आपका सिंपल एचटीएमएल कोड है। पासवर्ड के अंदर भी जो नेम आपका रहेगा वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो नेम आप देख लीजिएगा नेम। नेक्स्ट जब आप टीओबी डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे तो नेम आप डीओबी ले लेंगे यहाँ पर, नेम आपने ले लिया है, सॉरी ये डीओबी डेट के लिए लिया हुआ है। जेंडर तो हमने जो फील्ड क्रिएट की थी वो जेंडर की थी, डीओबी हम नहीं ले रहे, तो डीओबी का हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं फिलहाल। केवल आपने राइटअप करना है जेंडर। नेक्स्ट फील्ड हमने जेंडर ली है, जेंडर के अंदर देखिए मेल, टाइप आपका रेडियो बटन है, नेम आपका जेंडर है और वैल्यू मेल है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब आप रेडियो बटन की बात करेंगे तो उसमें वैल्यू भी आपको एक्सेस करना है, तो ये चीज याद रखिए आप, डेटाबेस अदरवाइज ये प्रॉब्लम देगा आपका, वैल्यू आपको राइटअप करनी है। नेक्स्ट फीमेल के लिए भी आपका देखिए इनपुट टाइप रेडियो बटन, अब नेम आपका जेंडर ही रहेगा क्योंकि इसमें टॉगल की कंडीशन होती है, एक रेडियो बटन को सेलेक्ट करें तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाना चाहिए आपका, अनसेलेक्टेड हो जाना चाहिए, तो उसके लिए आप दोनों का नेम सेम रखेंगे जेंडर, और वैल्यू यहाँ पर हमने दे दी फीमेल, इस वैल्यू को ये एक्सेस करेगा। नेक्स्ट आपने एजुकेशन लिया हुआ है, एजुकेशन के अंदर इनपुट टाइप चेकबॉक्स, नेम देखिए एजुकेशन हमने नेम लिया है और इसमें एरे क्रिएट किया है क्योंकि एरे के थ्रू हम लोग इसको एक्सेस करेंगे क्योंकि मल्टीपल सिलेक्शन आप यूज करेंगे। वैल्यू इसमें भी वैल्यू आपको देना है, टेंथ, टेंथ आपका ये स्टोर होगा डेटाबेस, जो वैल्यू आप दे रहे हैं वही वैल्यू आपकी स्टोर होगी क्योंकि इसमें तो आप एंटर नहीं करते हैं, जैसे टेक्स्ट फील्ड में तो कुछ आप एंटर करेंगे बट इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो डेटा आपका डेटाबेस में स्टोर होगा, तो क्लिकिंग के लिए हम लोग वैल्यू का यूज करते हैं। सेम आपको यहाँ पर राइटअप करना है। लास्ट में हमने एक इनपुट टाइप सबमिट बटन क्रिएट किया हुआ, नेम भी इसका सबमिट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, नेम आप याद रखिए इसका भी सबमिट है और वैल्यू सबमिट है। तो ये एक सिंपल फॉर्म हमने क्रिएट किया है, से मैंने सेव किया। अब मैं अगर इसको आपको आउटपुट में शो करूँ तो हमारा जो फील्ड है वो है लोकल होस्ट, लोकल होस्ट के बाद हमने एलएमएस के अंदर, सॉरी एचडॉक के अंदर फोल्डर बनाया है एलएमएस, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, और इसके अंदर जो मेरी फाइल है जो मैंने अभी क्रिएट की वो थी इंसर्ट डॉट पीएचपी। तो अगर मैं प्रॉपर आपको शो करूँ तो इस टाइप से आपका एक रजिस्ट्रेशन पेज यहाँ पर शो कर रहा है, तो इसमें सबमिट में आप क्लिक करें तो ये डेटा आपका स्टोर होना चाहिए डेटा बेस में। तो ये आपका एक सिंपल फॉर्म है, अगर आप डायरेक्टली अभी सबमिट करेंगे तो ये, क्योंकि हमने रिक्वायर्ड फील्ड दे रखी है तो अभी ये सबमिट नहीं होगा, तो ये सिंपल एक फॉर्म हमने क्रिएट कर दिया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आप कोड की तरफ। ये आपका सिंपल एचटीएमएल का कोड रहेगा जिसमें मेन आपका रहेगा नेम, नेम फील्ड के थ्रू ही आपका डेटा एक्सेस होगा। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका वो है प्रोसेस, मीन्स अब जब फॉर्म को आप क्लिक करें तो कुछ एक्शन परफॉर्म हो तो उसके लिए हम लोग कोड क्रिएट करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका डेटाबेस से। तो चलते हैं प्रोसेस वाले कोड की तरफ, ये मैं आपको सारा कोड राइटअप करके दिखाऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा सा वीडियो आपकी लार्ज होगी बट आप समझिए इसको प्रॉपर। तो चलते हैं, न्यू फाइल हम क्रिएट करेंगे, न्यू फाइल को सबसे पहले आप सेव कर दीजिए, सेव एज, सेम फोल्डर के अंदर आपने सेव करना है जिसके अंदर आपका डेटाबेस फोल्डर भी हो, इंसर्ट फाइल भी हो, और तीसरी फाइल आपकी है प्रोसेस डॉट पीएचपी, प्रोसेस मीन्स एक्चुअल प्रोसेस आपका इसके थ्रू होगा। तो प्रोसेस में सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पीएचपी आपका स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद आपको राइटअप करना है। अब देखिए आपको यहाँ पर सबसे पहले डेटाबेस की फाइल को इंक्लूड करना है, ये इंपॉर्टेंट है आपका कि डेटाबेस की फाइल आपने क्रिएट की थी डेटाबेस डॉट पीएचपी, तो इस फाइल को हम लोग इंक्लूड करेंगे प्रोसेस डॉट पीएचपी के अंदर। तो आपको लिखना है यहाँ पर डेटाबेस डॉट पीएचपी, फाइल का नेम है डेटाबेस डॉट पीएचपी, और अगर आपको पूरा कोड राइटअप करना है तो कोड भी आप राइटअप कर सकते हैं, जो कोड आपने यहाँ पर डेटाबेस डॉट पी एच पी ये पूरा कोड आप यहाँ पर राइटअप कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं लिखते हैं, इंक्लूड का मीनिंग है ये सेपरेट फाइल होगी डेटाबेस की जो डायरेक्टली इंक्लूड हो रही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट आप लिखेंगे इफ इस सेट, इस सेट आपका डॉलर साइन पोस्ट, अभी हमने फंक्शन कॉल नहीं किया हुआ है बट यहाँ पर आप लिखेंगे पोस्ट, और किसको कॉल करेंगे सबमिट को, सबमिट देखिए आपका नेम क्या है, इंसर्ट डॉट पी एच पी पे जाएंगे तो आपका जो बटन का नेम है वो है सबमिट, तो ये आपका मैच होना चाहिए, अगर आपने एस स्मॉल में लिखा है तो यहाँ भी आप स्मॉल में ही लिखेंगे, तो यहाँ पर आप लिख देंगे सबमिट, सबमिट को कॉल करेगा तो देन अब आपके वैल्यू एक्सेस होंगी वन बाय वन। तो डॉलर साइन नेम के अंदर पहले टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू स्टोर हो जाएगी आपकी, डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट, और देखिए आप फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड लिख लीजिए आप इंसर्ट डॉट पीएचपी में, फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड का नेम है आपका यू नेम, तो इसके अंदर आप स्टोर करेंगे यू नेम, इसलिए मैंने बोला था कि आपका जो नेम है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसी के थ्रू आप डेटा एक्सेस करेंगे। लेकिन वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं पासवर्ड इक्वल टू डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट, और इसके अंदर हम वैल्यू ले लेते हैं सेकंड टेक्स्ट फील्ड की, देखिए नेम क्या है आपका, इसका जो नेम है वो है पासवर्ड, तो पासवर्ड ही आप यहाँ पर एक्सेस कर लीजिए।
पासवर्ड आप एक्सेस कर लेंगे। देखिए थर्ड फील्ड हमने क्रिएट की थी जेंडर की, तो यहाँ पर आप ले लेंगे जेंडर इक्वल टू डॉलर साइन पोस्ट, यहाँ पर आप एक्सेस करेंगे। देखिए रेडियो बटन का आपका नेम है जेंडर, तो आपने यहाँ पर भी राइट अप करना है जेंडर। और नेक्स्ट फील्ड आपकी लास्ट फील्ड रहेगी आपकी एजुकेशन, वेरिएबल हम डिफाइन कर लेते हैं इक्वल टू डॉलर साइन पोस्ट, और यहाँ पर आप लिख देंगे एजुकेशन। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको मल्टीपल सिलेक्शन यूज करना है, तो उसके लिए आपको फॉर ईच लूप एक्सेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, ब्लैंक स्ट्रिंग वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं ताकि इसके अंदर आपकी सारी वैल्यू स्टोर रहे। फिर हम यहाँ पर लेंगे फॉर ईच लूप, फॉर ईच लूप के अंदर सबसे पहले आप वेरिएबल देंगे, तो वेरिएबल हम लोग देते हैं एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन फील्ड हमने यहाँ पर राइट अप करनी है, तो यहाँ पर आपका एजुकेशन आ जाएगा। एस एस के अंदर आप नया वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, एक वेरिएबल और डिफाइन कर देंगे, तो हम यहाँ पर लेते हैं CHK1, ये अलग वेरिएबल है, CHK आपका अलग वेरिएबल है। देन इसके बाद हमें स्टोर करना है, तो हम लोग डॉलर साइन CHK जो आपका ब्लैंक वैल्यू थी डॉट इक्वल टू डॉलर साइन CHK1 डॉट, और उसके बाद हम कॉमा भी यहाँ पर राइट अप कर देंगे ताकि ईच वैल्यू के बाद आपका कॉमा ही एक्सेस हो। तो ठीक है, तो कंडीशन ये है आपकी, देखिए CHK, ये CHK है डॉट CHK1 की वैल्यू स्टोर होगी, फिर डॉट नेक्स्ट वैल्यू भी स्टोर होगी। अगर आप मल्टीपल सिलेक्शन करते हैं तो बार बार ये डेटा को एक्सेस करेगा। ओके तो नाउ अब आपका है SQL की कमांड, तो SQL इक्वल टू डायरेक्टली आपको SQL की कमांड लिखनी है इंसर्ट इनटू, देखिए डेटाबेस तो आपका लाइब्रेरी है, उसके अंदर आपने टेबल क्या क्रिएट किया था वो देख लीजिएगा आप डेटाबेस के अंदर। तो लाइब्रेरी आपका डेटाबेस है, टेबल आपका स्टूडेंट है, स्टूडेंट टेबल आप यहां पर एक्सेस करेंगे, तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट कॉलम के नेम, ये कॉलम के नेम आपके मैच होने चाहिए डेटाबेस से, तो डेटाबेस में कॉलम के नेम है आपके नेम पासवर्ड जेंडर एजुकेशन, सेम वे में आप राइट अप करेंगे और सेम कैपिटल स्मॉल भी आप देखेंगे केस सेंसिटिव होना चाहिए आपका। तो पहली फील्ड है आपकी नेम, तो आप यहां पर लिखेंगे नेम कॉमा, सेकंड फील्ड है पासवर्ड, ये भी आपकी सेम रहेगी, तीसरी फील्ड है आपकी जेंडर, डेटाबेस चेक कर लीजिएगा आप, और थर्ड फील्ड है आपकी, थर्ड फील्ड अगर आप देखें तो यह है एजुकेशन, स्मॉल में राइट अप किया है एजुकेशन। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है वैल्यूज, वैल्यूज आप एंटर करेंगे, वैल्यूज में आप वन बाय वन जो वेरिएबल है डॉलर साइन नेम पासवर्ड जेंडर इनको आप यहाँ स्टोर करेंगे। तो पहली जो नेम के अंदर आपका जाएगा वो जाएगा डॉलर साइन नेम, नेम की वैल्यू एक्सेस होगी। सेकेंड फील्ड है आपका पासवर्ड, तो पासवर्ड के अंदर पासवर्ड फील्ड आपकी जाएगी, और थर्ड फील्ड है आपका, थर्ड आपको जेंडर एंटर करना है, तो डॉलर साइन जेंडर आप रखेंगे। एंड फिफ्थ फोर्थ फील्ड में आपको CHK को स्टोर करना है, एजुकेशन तो आपका फॉर ईच में हो गया, वन बाय वन दिस वैल्यू एक्सेस एंड CHK के अंदर वो स्टोर हो रही है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे डॉलर साइन CHK, इसके अंदर आप स्टोर कर देंगे। ओके क्वेरी आपकी एग्जीक्यूट, क्वेरी आपकी प्रॉपर वर्क करेगी अगर आपने कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं किया हो। तो अब आपको क्वेरी को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कराना है, इफ कंडीशन हम लोग चेक करते हैं, इफ माई एसक्यूएल आई क्वेरी, माई एसक्यूएल आई क्वेरी, सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे डॉलर साइन कौन, कौन इज द वेरिएबल ऑफ योर डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर आपने वेरिएबल लिखा हुआ है कौन, तो ये पहले आपका कनेक्टिविटी को चेक कर रहा है, कनेक्शन स्टेबलेस प्रॉपर है, उसके बाद आपकी क्वेरी को ये चेक करेगा। तो डॉलर साइन SQL दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो देन आपका यहाँ पर एको के अंदर हम लोग एक स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के अंदर स्क्रिप्ट टैग आपने ले लिया, सॉरी इसके अंदर आपको राइट अप करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट टैग आप स्टार्ट करेंगे अलर्ट बॉक्स के अंदर, अलर्ट के अंदर हम लोग मैसेज दे देते हैं न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली inserted। इसके बाद आप यहाँ पर क्लोज कर देंगे स्क्रिप्ट टैग को, डबल क्लोज जाएगा सेमीकोलन, अगर आपका ये कंडीशन ट्रू है देन आपका स्टोर हो जाएगा, एल्स केस में ये आपका एरर शो कर दे एको के अंदर, एको के अंदर ये एरर आपका शो करेगा, और किस टाइप की एरर होगी वो भी आपका ये शो करेगा, एरर End dot my SQL I
एरर आप यहाँ पर शो कर दीजिए, एरर डॉलर साइन, कौन में जो भी एरर होगी आपकी वो यहाँ पर शो कर देगा। एट लास्ट आप जो भी आपने कनेक्ट किया था उसे आप क्लोज भी कर सकते हैं, कनेक्टिविटी क्लोज करेंगे तो माई एस क्यू एल आई क्लोज डॉलर साइन, कनेक्शन जो भी स्टेबलेस हुआ था उसे लास्ट में हमने क्लोज कर दिया, और एट लास्ट आपका पीएचपी भी क्लोज हो जाएगा। तो ये सारा कोड है आपका, आप एक बार देख लीजिए इसको, ये होल कोड है आपका। ये वैल्यू आपकी मैच होनी चाहिए थी, ये जो यू नेम है, पासवर्ड, जेंडर, एजुकेशन, ये आपके इंसर्ट के जो नेम आपने राइटअप किए हैं इनसे मैच होनी चाहिए। सेकेंड फील्ड है आपका जो आपने यहाँ पर लिखा नेम, पासवर्ड, जेंडर, एजुकेशन, ये आपका डेटाबेस से मैच होना चाहिए, ये वैल्यू से मैच होना चाहिए। और ये डॉलर साइन नेम, ये तो वैल्यू आपकी इससे मैच होनी चाहिए। चलिए इसको सेव कर लेते हैं, फाइल सेव आपने कर दिया है। अब आपको जाना है इंसर्ट डॉट पीएचपी, क्योंकि जो एक्चुअल वर्क करेगा वो इंसर्ट डॉट पीएचपी करेगा। तो इसमें आपको फॉर्म पे मेथड, सबसे पहले मेथड लिखना है, मेथड इक्वल टू पोस्ट, इस मेथड पे आप वर्क करें पोस्ट पे। एंड एक्शन ये क्या परफॉर्म करें, एक्शन में ये राइटअप करेगा एक्शन इक्वल टू प्रोसेस डॉट पीएचपी, डॉट पीएचपी मीन्स जैसे ही इसको क्लिक करेंगे आप ये प्रोसेस पे जाएगा और वहां एक्शन परफॉर्म करेगा, देन आप इसको सेव कर दीजिए। सेव कर दिया आपने, चलिए आप कोड आप रन करते हैं। हम लोग रन करेंगे तो फाइल पे जाते हैं अपने, अगेन अगर आपको दोबारा से इसे ओपन करना है तो डायरेक्ट आपको लिखना है यहाँ पर लोकल होस्ट पब्लिक, फोल्डर का नेम एलएमएस, इसके अलावा फाइल है आपकी इंसर्ट, जो एक्चुअल जो आपकी डेटाबेस की, सॉरी जो फॉर्म की फाइल है वो इंसर्ट डॉट पीएचपी है। एंटर किया आपने, ये फॉर्म डेटा आपका हो गया, नेम आपने एंटर किया, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एंटर किया कैलाश, पासवर्ड 5, मेल, अब यहाँ पर मैं मल्टीपल सिलेक्शन कर रहा हूँ 2, 10th एंड 12th, एंड सबमिट किया इसको। ओके इट नॉट परफॉर्मिंग एनी एक्शन, तो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है हमारे। फिर से मैं इसको रिफ्रेश कर रहता हूँ, तो इसमें अगर आप देखें तो कोड में यहाँ पर पोस्ट मैंने स्मॉल में राइट अप कर दिया इसलिए प्रॉब्लम दे रहा है। तो आपका जो पोस्ट होगा वो आप हमेशा कैपिटल में ही राइट अप करेंगे, तो पोस्ट सबमिट, अब मैंने ये सेव करना है फाइल, आप सेव कर दीजिए इसको। थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई है, पोस्ट स्मॉल में मैंने राइट अप कर दिया है, यहाँ आप कोई भी पोस्ट राइट अप करेंगे वो आप कैपिटल में लिखेंगे, क्योंकि जो पीएचपी है आपका वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, और इंसर्ट जब आप फंक्शन में यूज करेंगे तो यहाँ पर आप पोस्ट लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए मैंने इसे सेव किया, अब मैं रन करता हूँ इसको दोबारा से, रिफ्रेश किया हमने, अगेन आई राइट हियर कैलाश, पासवर्ड 1 2 3 4 5, मेल 10th 12th, सबमिटेड, देन न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड, मीन्स ये रिकॉर्ड डेटाबेस में स्टोर हो चुका है, स्टोर हो चुका है। चलिए अब हम लोग डेटाबेस की तरफ चलते हैं, डेटाबेस को आप दोबारा से अगर ओपन करके देखना चाह रहे हैं ओपन कर लीजिए, तो मैं लोकल होस्ट डेटाबेस ओपन कर लेते हैं हम, देखते हैं हमारा डेटाबेस में स्टोर हुआ है नहीं, पीएचपी माई एडमिन। इसके अलावा हमने एलएमएस लाइब्रेरी नाम का डेटाबेस क्रिएट किया था, इसके अंदर स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट के अंदर अगर आप देखें तो ये डेटा हमारा स्टोर हो चुका है डेटाबेस में। तो ये प्रोसेस है आपका हाउ टू स्टोर फॉर्म डेटा इन डेटाबेस, तो ये आपका डेटाबेस में स्टोर करने का प्रोसेस है। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि आप जैसे ही आपने सबमिट किया उसके बाद ये ब्लैंक पेज आ रहा है, कि आप जैसे ही स्टोर हो जाए उसके बाद अगेन आपका सेम रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर केवल राइटअप करना है विंडो डॉट ओपन, यहाँ पर आपको राइटअप करना है एको के अंदर, एको में स्क्रिप्ट टैग के अंदर, स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप दे दीजिए विंडो डॉट ओपन डॉट ओपन, और सेम फाइल पे भी आप क्रिएट कर सकते हैं सारा। तो जो फाइल आपको ओपन करनी है वो आप यहाँ पर ओपन कर दीजिए, सिंगल कोट में आपको लिखना है इंसर्ट डॉट पी एच पी वाली फाइल आपको ओपन करनी है, और उसके बाद आप यहाँ पर लिख देंगे सिंगल कोट में सेल्फ, बिकॉज सेम विंडो पे ही ओपन हो तो हम लोग यहाँ पर सेल्फ कर देते हैं, अदरवाइज ये अलग विंडो पे आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप स्क्रिप्ट को क्लोज कर दीजिए, स्क्रिप्ट को क्लोज कर दीजिए और सेमी कोलन राइटअप, स्क्रिप्ट विंडो डॉट ओपन, जो भी फाइल आपको ओपन करनी है इंसर्ट डॉट पी एच पी, और सेल्फ भी आपका हो जाएगा, और इसके बाद स्क्रिप्ट क्लोज, सेव किया आपने, देन अगेन आप रन करिए। चलिए इसको फिर से रन करते हैं फाइल को, प्रोसेस को हटा देते हैं, फिर से आप यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट पब्लिक एलएमएस इंसर्ट डॉट पीएचपी, ये फॉर्म आपका ओपन हुआ,
मैंने राइट ऑफ कर दिया, पासवर्ड इज 3 4 5 6 7 8, मेल 10th 12th। ये देखिए ये टॉगल की कंडीशन है आपकी, इसलिए हमने दोनों का नेम सेम लिया हुआ है। इसमें आपके सारी वैल्यू एक सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए हमने चेकबॉक्स यूज किया। सबमिट करेंगे आप, न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड, ओके करेंगे तो आपका वही फॉर्म ओपन हो जाएगा। और अगर आप डेटाबेस को रिफ्रेश करते हैं तो आपका नया रिकॉर्ड भी यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है डेटाबेस। तो ये था आपका सिंपल डेटाबेस कनेक्टेड। थैंक यू फ्रेंड्स।